let's go on to sum number 13. Now it was asked by me कि तुम लोग ये try करो, लेकिन तुम जिस तरह से कल try कर रहे थे, हाँ लेकिन बेटा तुमसे हो गया है ना, बाकी सबको तो मेरी जरूरत है, तो मुझे ये सम करवाना पड़ेगा। तो पेज नंबर 141 पर सम नंबर 13, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, वो हम नहीं करेंगे, नेसेसरी जर्नल एंट्रीज नहीं करेंगे, बट विल बी प्रिपेयरिंग अ रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एंड देन हम बैलेंस शीट बना रहे हैं आफ्टर रीवैल्यूएशन, तो वो सारी चीजें हम बनाएंगे। नाउ साजन एंड निर्मी are the partners sharing profit and loss in what ratio? 5:3. Their firm's balance sheet as on 31/3 is as under capital account of Sajan Nirmi. Then general reserve कहाँ जाएगा? बेटा अभी हमने 13 sum के पहले 12th वाला sum किया, जिसमें हमने ये सीखा कि कोई reserves अगर दिया हो तो वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। और कल कुछ जनता क्या कर रही थी, कॉपी पेस्ट, वहां से उठा के नवी बैलेंस शीट, ना वहां से उठा के सीधा नवी बैलेंस शीट में लिख रहे थे, जो गलत है। ये रिजर्व है, ये प्रॉफिट है, तो वो पुराने पार्टनर्स में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन देर, वो हम पुराने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन देयर ओल्ड रेशियो। सिमिलरली पीएनएल जो दिया है उसका भी क्या करेंगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट द से हो। द नॉन करंट लायबिलिटीज में बैंक लोन, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल, देन ऑन द असेट साइड वी हैव लैंड एंड बिल्डिंग मशीनरी फर्नीचर इन्वेस्टमेंट्स, देन करंट असेट्स में we have debtors जिसमें से back debt reserve मैंने minus करा, then we have stock and lastly we have what, cash balance। कौन कौन कैसे उसमें adjustment है जरा check करो, कौन कौन से उसमें, land and building में, machine furniture उनको tick कर दिया, debtors को tick करा, उसमें सबसे important star adjustment है stock, creditors, पची investments। ओके, नाउ कितनी चीजें बनानी है सर, हमने डिस्कस करा, वी नीड टू मेक 3 लेजर्स, दैट इज फर्स्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, देन वी नीड टू मेक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वी नीड टू मेक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, साजन सजनी आप निर्मी है, देख लो साजन निर्मी, दिस इज क्रेडिट, दिस इज डेबिट, and then last we'll make balance sheet after revaluation, we'll make a balance sheet after revaluation, liabilities amount, assets amount, okay। तो बेटा स्टार्ट करिए, फर्स्ट तुमने तो फॉर्मेट बना लिया था ना कल कि अभी हम साथ साथ हैं, दूसरी बार बना रहे, कोई ऐसे भी हैं, अरे बहुत बढ़िया, मेहनतू लोग हैं बेटा, मेहनतू लोग आए हैं, इजी इजी सम हम दो दो बार करेंगे, हार्ड वाले सम हम छुएंगे भी नहीं। चलो लायबिलिटी में कैपिटल अकाउंट ऑफ साजन निर्मी, ये कहां जाएगा, कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल, कई बाजू क्रेडिट साइड,
So this is by balance brought forward. 80,000 and 50,000. Then general reserve बेटा partners में distribute था है. Sum number 12 में आपने नहीं entry सीखेली. जरा बेटा हाथ ऊपर हाथ ऊपर हाथ ऊपर. Entry था है सू. बेटा it's a reserve which will be distributed amongst the partner. तेजस. बेटा वन तो साझा account debit साझा account credit निर्मी account. रिजर्व अकाउंट डेबिट टू साजन टू निर्मी तो इसलिए पार्टनर्स कैपिटल में ये कहां जाएगा क्रेडिट साइड बाय जनरल रिजर्व अने रेशियो कहो जैसे बेटा रेशियो ओल्ड 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 नॉट द न्यू वन सो इट विल बी 50,000 अने 30,000 बहुत बढ़िया कहना से उसके नीचे पीएनएल दिया है पीएनएल अगेन कहना से इट्स अ प्रॉफिट व्हिच हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द इट्स अ प्रॉफिट व्हिच हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द अगेन एंट्री बता दो एंट्री कहना से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है बिट्टू साजन तू साजन तू निर्मी So profit and loss account amount कितनी है? 30,000 and 18,000. Then next 12% bank loan में कोई adjustment है? 12% bank loan. But how much is the amount? 12% bank loan. 70,000 is my amount of bank loan. Then creditors, do we have adjustment? Creditors. Yes. How much is the amount creditors? We write that in the inner column. 32,000. Then bills payable, do we have any? कितना है? 10,000. Bills payable are 10,000. असेट बाजू तो बेटा खबर नहीं बधाने जीनर कॉलम में लखवानो एवं लगे छे लैंड एंड बिल्डिंग इज 1,40,000 देन मशीनरी इज हाउ मच मशीनरी इज 80,000 फर्नीचर 30,000 इन्वेस्टमेंट्स 20,000 डेबिटर्स 40,000 stock 31,500 and last is a cash balance that's how much 30,000 last is my cash balance which is 30,000 बड़ा इतना करके सब तैयार मैं रहा देख रहा हूँ आधी से ज्यादा पब्लिक बोर्ड पर से अभी भी लिख रही है इट्स ओके लिख लो बेटा लिख लो मैं रहा देख रहा हूँ लिख लो Adjustment. The land and building value is to be increased. तो land and building में मैं क्या करूं? Land and building में. So revaluation हमने 14,000. हमने plus कर देने हैं. So 1,54,000.
एंड मेरा वैल्यू बढ़ रही है तो ये मेरे लिए प्रॉफिट है कि लॉस? ये मेरे लिए प्रॉफिट है कि लॉस? सो रिवैल्यूएशन ना क्रेडिट साइड बाय लैंड एंड बिल्डिंग अने अमाउंट आएगी 14,000 देन मशीनरी और फर्नीचर दोनों की वैल्यू मुझे कम करनी है. नाउ कम करनी है बाय व्हाट परसेंटेज? सो यहां पर मशीनरी में से लेस करो रिवैल्यूएशन एट 40%, दैट इज 30. सो 80 में से 32, 48,000. अरे फर्नीचर एट 40% इट इज 12,000. सो इट्स 18,000. अरे बोलो ना यार. सो वैल्यू कम हो रही है कम. इट्स अ लॉस. सो टू मशीनरी 32,000 अने टू फर्नीचर हाउ मच? 12,000. मशीनरी इट्स 32 अने फर्नीचर इट्स 12,000. बेटा थर्ड वाला हैव यू मार्क्ड एन इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट? बैड डेट रिजर्व वाला एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट मार्क करा? यस और नो? यस और नो? नो. उसमें क्या बोल रहे हैं बैड डेट रिजर्व के लिए? क्या बोल रहे हैं? 1000 इज नाउ द 1000 इज नाउ. सो यहां पर बीडीआर पहले था कितना? BDR पहले दिया कितना था? 1500. अब क्या बोल रहे हैं? 1000 is. तो कहना से इसमें 1500 में से 1000 निकाल दूंगा because it is not required. So amount कितनी आएगी? पांच सौ. So ये 40,000 में से 500 माइनस करूंगा तो कितना आएगा? बेटा 40,000 में से ये 500 में माइनस करूंगा तो कितना आएगा? 39,000. इट्स 39,000. पुरानी डेटर की वैल्यू जरा चेक करो कितनी है? 38,500 पुरानी वैल्यू. यहां पर बाहर वाली 38,000 ने आप कितनी हो गई? 39,500. से 1000 रुपए से वैल्यू बढ़ रहा है ना तो इट्स माय तो प्रॉफिट है. तो कहां लिखूं? रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड बाय बीडीआर 1000 बाय बीडीआर इट्स 1000. बेटा ये समझ में आया? कंपैरिजन करके जो वैल्यू देखी, पुरानी 38,500 थी, नवी 39,500 है. तो 500 रुपए ही चाहिए बस. अब 1500 से वो 500 हो गया, 1000 रुपया कम. सो बीडीआर अगर कम होगा तो डेटर बढ़ जाएगा, लेकिन अगर बीडीआर बढ़ेगा तो डेटर्स कम हो जाएंगे. वो लॉजिक अपने दिमाग में बिठाओ, ठीक है? नेक्स्ट कौन सा है चेक करो जरा. नेक्स्ट कौन सा है? 1500 का रिपेयरिंग खर्चा है किसमें? सो क्या करूं? स्टॉक में से माइनस. स्टॉक में से माइनस रिवैल्यूएशन 1500. सो इट्स 30,000. बट देयर इज अ रिपेयरिंग एक्सपेंस, तो अमाउंट कितनी आ रही है? 30,000. और ये स्टॉक की वैल्यू कम हो गई बेटा, कम हो गई. इट्स अ लॉस. तो यहां पर हम लिख देंगे स्टॉक 1500.
It's a stock 1500. But then next, creditors के लिए क्या बोल रहे हैं? देखो 1500 are now not to be paid. Creditors को 1500 are now अभी बेटा not to be paid तो अपने लिए चल सा पैसा भरने का. तो अगर creditor को पैसा नहीं भरना है तो उतना मेरा क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर लिख देंगे हम less revaluation 1500 30500 revaluation में कहाँ जाएगा? revaluation में credit side by creditors 1500 by creditors 1500 then see the beta next one see the next one outstanding expenses kitne hain outstanding expenses 10000 now outstanding expenses is my asset ki liability outstanding expenses liability hai to can I say this adjustment of outstanding expenses will increase my बेटा लायबिलिटी वधी तो मारी मटे प्रॉफिट चे के लॉस लायबिलिटी वधी लॉस तो यहां पर पहले हम लिख देंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितने हैं 10000 अने बेटा इट्स माय लॉस सो यहां पर हम लिख देंगे टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितनी अमाउंट है 10,000 outstanding expenses 10,000 और income receivable कितने बेटा income receivables 2,000 अब बेटा अगर income receivable है तो we'll show it on the तो ये adjustment income receivable से asset अब अगर असेट बढ़ेगा तो ये क्या है अपना प्रॉफिट अगेन सो लिखवानो इनकम रिसीवेबल 2000 इनकम रिसीवेबल 2000 एंड कैन आई से इट्स माय प्रॉफिट इनकम रिसीवेबल 2000 And but last investment are to be shown at which value? Market. Investments are to be shown at which value? अच्छा market value है कितनी जरा check करो. Market value है कितनी? 18,000 है अभी कितनी value book में? 20 से 18 हो गई है. 20 से 18. So there is a loss of 2,000. So, यहां पर हम 18,000 लिख देंगे अने स्टॉक में कहां जाएगा बड़ा स्टॉक में डेबिट साइड स्टॉक क्या सॉरी इन्वेस्टमेंट्स इन्वेस्टमेंट्स इट्स 2000 बट कैन आई से ऑल एडजस्टमेंट सेट बट ऑल एडजस्टमेंट सेट चलो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करते हैं लेट्स फाइंड प्रॉफिट के लॉस बट लेट्स फाइंड प्रॉफिट के लॉस डेबिट साइड का थोड़ा ज्यादा लग रहा है yes. कितना है 57 39,000 इज माय लॉस एंड कैन आई से ये जो मेरा रिवैल्यूएशन का लॉस है वो साजन और निर्मी में डिस्ट्रीब्यूट होगा व्हाट रेशियो 5:3 2 4 3 7 5 1 4 6 2 5
बेटा रेज योर हैंड, ये रिवैल्यूएशन का लॉस जाएगा कहां? जाएगा कहां? पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड। 2437514625 एंड देन वी क्लोज अवर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। साजन का इट्स 1,60,000, अनुज है 98, बेटा 1,68 एंड 93, 135, 635, 83, 375. दिस इज माय क्लोजिंग वाला बैलेंस। और बेटा ये क्लोजिंग बैलेंस कहां जाएगा? कैपिटल, साजन, निर्मी, 135625 और 83375। सो 339 339500। Can I say with that our balance sheet gets tallied? 339500. It's 339500. Beta sum ho gaya. Sum ho gaya. Aur tumhe dekho pata bhi nahi chala. सम हो गया और तुम्हें देखो पता भी नहीं चला। व्हाट से बेटा, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन एडवांस कि आ चैप्टर माथी आवा सम्स नथी आवाना बोर्ड एग्जाम्स मा। ये हम कर क्या रहे हैं? नेक्स्ट चैप्टर की तैयारियां हो रही हैं अभी से, तो ऐसे सम नहीं आएंगे। अभी हम जो लास्ट वाले सम पर जा रहे हैं, सम नंबर 14, वो भी मैं खाली तुम्हें समझा दे रहा हूं, तुम्हें सॉल्व खुद से करना है, मैं नहीं करूंगा। बहुत इजी सम छे, जरा यहां ध्यान आपो, यहां ध्यान आपो। हमको पुरानी बैलेंस शीट के साथ साथ रिवैल्यूएशन अकाउंट दे दिया है। व्हाट हैव दे डन? पुरानी बैलेंस शीट के साथ हमें क्या करना है? पुरानी बैलेंस शीट और रिवैल्यूएशन को देख देख के दो चीजें बनानी है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अब बनाने का कैसे? ओ बनाने का कैसे? वेरी इजी। रिवैल्यूएशन अकाउंट में पहला चेक करो डेबिट बाजू सूचे, उसकी वैल्यू कितनी है? 35,000। ऊपर बैलेंस शीट में वैल्यू देखो मशीनरी की कितनी है? नाउ रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड का होने का मतलब क्या? इट्स अ लॉस। એટલે क्या ऊपर दी, मतलब मेन्यू में एक न्यू बैलेंस शीट, मशीनरी को 80,000 इनर कॉलम में लिखने का, अरे उसमें से 35,000 क्या करने के? इजी। पची नेक्स्ट वालू जो फटीचर केटलू 20,000, ऊपर 20,000 से नीचे रिवैल्यूएशन में 5, बट इट्स ऑन द डेबिट साइड, डेबिट साइड माइनस कर देंगे हम। अब इधर समझो, मैंने क्या क्या चीजें बनाने के लिए कही, क्या क्या चीजें बनाएंगे? पार्टनर्स कैपिटल अरे नवी बैलेंस शीट। अब पार्टनर्स कैपिटल में देखो, ये दत्तू दया तारक जाएगा, दत्तू एना नीचे जनरल रिजर्व आप यू चे ए क्या जैसे यहां से पार्टनर्स कैपिटल में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा जनरल रिजर्व। पची आगर वाचो आ स्टार करो वर्कमैन एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड। जरा रिवैल्यूएशन अकाउंट के नीचे जरा देखो, ऐसा लिखा है 5,000 का हमारा क्लेम आया, तो कहना से वर्कमैन कंपनसेशन फंड मैंने बनाया 23 का है,
उसमें से 5,000 क्लेम आया। सो 18,000 क्या करेंगे पार्टनर्स में? 18,000 पार्टनर्स में, अरे 5,000 पेली लायबिलिटी में बता देवाना, કેમ કે આપણે કમ્પન્સેશન દેવું પડ્યું ને, સો ધેટ 5,000 ઇઝ માય લાયબિલિટી, તો વો બેલેન્સ શીટ મે બતા દેના ઓર બાકી કે 18,000 પાર્ટનર્સ મે ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કર દેના। સમજ મે આ રહા હે? સમજ મે આ રહા હે? ચાલુ કર દો, ચાલુ કર દો। 15 મિનિટ્સ યુ હેવ। With that, the chapter is over। बेटा कल से हम शुरू करेंगे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। बेटा 10 days, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर विल टेक 10 days, रिटायरमेंट विल टेक 10 days।